आजम सरदार भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के शहीदी दिवस पर समर्पित युवा समिति एवं समर्पित महिला शक्ति के संयुक्त तत्वाधान में एक विशाल रक्तदान शिविर SD कॉलेज मार्केट में स्थित शिव मंदिर प्रांगण में आयोजित किया गया। शिविर में लगभग 175 वीरांगनाओं एवं रक्तवीरों ने रक्तदान किया। शिविर का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल ने भारत माता एवं भगत सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके व दीप प्रज्वलित करके किया। समर्पित युवा समिति के रक्त संयोजक मोहित यीशु पुजानी ने बताया कि लगभग 60 रक्तवीर ऐसे थे जिन्होंने अपने जीवन का प्रथम रक्तदान शिविर में किया। समर्पित महिला शक्ति की रक्त संयोजिका शिल्पा इंद्रा ने बताया कि हमने आज विशेष रूप से महिलाओं का आह्वान किया था, जिसके फलस्वरूप लगभग 20 महिलाएं रक्तदान शिविर में रक्तदान करने आई। आशा है भविष्य में भी इसी प्रकार महिलाएं रक्तदान करने के लिए उत्साह दिखाएंगी। विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष श्री विजय शुक्ला ने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया एवं समर्पित युवा समिति के प्रयास की पूरी पूरी प्रशंसा की। किस तरह केंद्रीय है आज शहीद आजम सरदार भगत सिंह सुखदेव एवं राजगुरु जी के शहीदी दिवस पर समर्पित युवा समिति और समर्पित महिला शक्ति द्वारा न्यू SD कॉलेज मार्केट के प्रांगण में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है और बड़ा जबरदस्त कैंप जा रहा है। 111-112 ब्लड डोनेशन हो चुके हैं और अभी हमें उम्मीद है हम 150 क्रॉस कर रहे हैं। तो अब तक तो है कितने ने डोनेट कर दिया? लगभग 111-112 ब्लड डोनेशन हो चुके हैं हमारे और 150 के ऊपर जा ही रहा कैंप हमारा। और आज के कैंप की खास बात कुछ मैं आपको बता दूं कि आज की कई खास बात है, जैसे कि आज फर्स्ट टाइम ब्लड डोनर्स बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। 18 साल से कुछ ऊपर के ही बच्चे हमारे साथ कई लोग आ चुके हैं, महिलाएं भी अच्छी खासी क्वांटिटी में आ रही हैं ब्लड डोनेशन करने। इसके अलावा हम लोगों ने मुजफ्फरनगर में फर्स्ट टाइम रेड क्रॉस की टीम को बुलाया है, दिल्ली से रेड क्रॉस सोसाइटी की टीम आई है, तो मुजफ्फरनगर वालों की पहुँच जो है रक्त के मामले में दिल्ली तक हो जाएगी। हम लोगों को इस बात का बड़ा गर्व है। ये लगभग 3 बजे तक चलेगा कैंप और अभी मैं आपके माध्यम से सभी को दावत दे रहा हूँ, जितने भी रक्तदाता हमारे इस आवाज़ मेरी बात सुन रहे हों तो वो जरूर आएँ और रक्तदान करें।